हाय फ्रेंड, गाड़ी आज हमारे पास ह्यूंडई की एक्सेंट डीजल इंजन गाड़ी है। गाड़ी में कस्टमर कम लेने की गाड़ी में पिकअप ड्रॉप हो रहा है, और पिकअप ड्रॉप के चक्कर में क्या क्या करवा दिए इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। मैं आप इसका बोनट खोलता हूँ। ये हमारी ह्यूंडई एक्सेंट डीजल इंजन है। गाड़ी में कस्टमर कम लेने गाड़ी चलते चलते पिकअप ड्रॉप होने लगता है, उसके चक्कर में एयरमा सेंसर और हमारा इंजेक्टर सर्विस कर दिया है, और जो हमारा मॉड्यूलेटर है ये भी दूसरा डाल के देखा है, तो इसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है इसका। तो आज हम लोग इसको फॉल्ट को ट्रेस करेंगे और क्लियर भी करेंगे साथ में। तो एक बार गाड़ी को मैं चलाता हूँ और आपको फॉल्ट दिखाता हूँ। गाड़ी को करेंगे स्टार्ट। गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ मैं। गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी को भी रनिंग करूँगा। गाड़ी को भी चलाता हूँ मैं। गाड़ी को चला रहा हूँ मैं। अब ये देख सकते हो मैंने पूरा एक्सीलेटर दिया हुआ है, पूरा एक्सीलेटर दिया है, और गाड़ी हमारी देख सकते हो एक के ऊपर आरपीएम जा ही नहीं रही। ये देख सकते हो पूरा एक्सीलेटर दबा के रखा मैंने, छोड़ पकड़ नहीं, पिकअप ड्रॉप हो रहा है पूरा। अभी मैं भगा रहा हूँ, ये देख सकते हो पिकअप छोड़ दिया इसने, पूरा एक्सीलेटर दबा के रखा है मैंने, पूरा दबा के रखा है और ये पिकअप छोड़ दी। देख सकते हो गाड़ी हमारी चल ही नहीं रही है, ये 20 की स्पीड में चल रही है गाड़ी, और अभी तो पूरी आरपीएम पूरा डाउन हो गया है और गाड़ी रेस पकड़ ही नहीं रही। दो बार पंप करेंगे एक्सीलेटर को तब पकड़ती है, फिर थोड़ा तो चलती है और फिर छोड़ देती हो। तो इसका जो मुझे प्रॉब्लम मिला है, तो इसको मैं बिना स्कैनर के और बिना कुछ किए मैनुअली प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा इसका। तो जो मुझे प्रॉब्लम मिला है मैं आपको दिखाता हूँ। भाई मैंने यहाँ पे ब्रेक छोड़ा हुआ है, बराबर है, और पीछे के साइड में देखेंगे जो हमारा ब्रेक लाइट है वो ऑन है। देख सकते हो आप लोग ब्रेक लाइट ऑन है, यहाँ पे भी देखो इससे जो है ब्रेक लाइट ऑन है, और ब्रेक मैंने मार के नहीं रखा है, ब्रेक मैंने छोड़ा हुआ है। देख सकते हो आप लोग ये ब्रेक लाइट बंद होना चाहिए। यहाँ पे नीचे के साइड में देखेंगे अंदर जो हमारा ब्रेक का स्टॉपर है, देख सकते हो आप लोग ब्रेक स्विच ओपन ही है, जो उसका स्टॉपर है वो टूट गया है, इसके लिए ब्रेक स्विच कंटिन्यू ओपन है और लाइट जल रही है हमारी, देख सकते हो पुश नहीं हो रहा है। तो इसको मैं टेम्पररी अभी एक स्क्रू डाल के चेक करेंगे हमारा पिकअप का पहले प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या। यहाँ पे मैं एक स्क्रू है मेरे पास, वो डाल के देखता हूँ। यहाँ पे मैंने स्क्रू डाला है और अभी देख सकते हो प्रॉपर वर्किंग हो रहा है, और पीछे देखेंगे हमारा लाइट बंद हुआ है क्या। यहाँ पे देख सकते हो लाइट हमारा बंद हो गया, और यहाँ का भी लाइट बंद हो गया। और अभी गाड़ी का ट्रायल मारेंगे, गाड़ी को चला के देखता हूँ पिकअप का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है क्या। अभी गाड़ी को ट्रायल पे लिया है मैंने, और अभी देख सकते हो आरपीएम कितना हाई जा रहा है हमारा, गाड़ी भाग भी रही है, सब कुछ हो रहा है, देख सकते हो एक्सीलेटर दिया मैंने, और गाड़ी हमारी 60 पे, अभी 60 पे जाएगी, 50 के ऊपर है। तो जो हमारा पिकअप ड्रॉप का इश्यू था वो क्लियर हो गया है। पहले तो गाड़ी भाग ही नहीं रही थी थोड़ा भी, वापस से एक बार यू टर्न मारूंगा और वापस से दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे हमारा जो पिकअप ड्रॉप का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है।
तो गाइस सब चीज़ों का, छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और इसके ऊपर काम करना है। तो जो प्रॉब्लम था आप लोग देख सकते हो, एक स्टॉपर जो टूट जाता है ब्रेक लाइट स्विच का, इसकी वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम आता है पिकअप ड्रॉप का, और कभी कभी समझ में नहीं आता है वो। तो सबसे पहले ध्यान देना है लाइट वगैरह कोई चालू है क्या, क्योंकि ह्यूंडई एक्सेंट और वेरना डीजल, अपना i10 डीजल, ये सब में प्रॉब्लम है। पेट्रोल में प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन डीजल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पिकअप ड्रॉप का। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है और जो प्रॉब्लम है वही करना है। तो ये गाड़ी मेरे पास घूम के आई है बहुत जगह से, फाइनली प्रॉब्लम मिला है और प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया है। तो गाइस फाइनली जो प्रॉब्लम था हमारा सॉल्व हो गया है। तो आप कुछ भी करने से पहले सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्या प्रॉब्लम है। ये सब गाड़ियों में ब्रेक लाइट की वजह से कितना बड़ा प्रॉब्लम आता है, उसकी वजह से नोजल सर्विस, ब्रेक सर्विस, सॉरी मॉड्यूलेटर और हमारा एयर मास सेंसर सब चेंज हो गए हैं, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। फाइनली जो प्रॉब्लम मिला लास्ट में वो हमारा ब्रेक लाइट स्टॉपर का था, जो कि इतना बड़ा प्रॉब्लम दे रहा था। गाइस फाइनली गाड़ी हमारी रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।